वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। पहले पार्ट में आपने देखा कि रोजर अपने अडॉप्टेड भाई लियन के साथ एक हॉरर गेम सारा सरिता खेलता है, जिसमें वो लोग सारा सरिता की आत्मा को बुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। उसके बाद रोजर और उसके दोस्त लियम को डराते हैं और उसको उसके रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन जब रोजर अपना रूम खोलता है तो लियम उसे वहां बेहोश मिलता है। जब रोजर उसे उठाता है तो लियम उसे बताता है कि सारा सरिता उसको लेने आ रही है और उसके कुछ देर बाद ही लियम को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई लियम की मौत के बाद रोजर के दोनों पेरेंट्स बहुत दुखी थे। उन्होंने रोजर से बार बार पूछा कि उस रात लियम के साथ उसने क्या किया था, लेकिन रोजर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस रात सारा सरिता नाम का एक हॉरर गेम खेला था। रोजर भी लियम की मौत से बहुत ज्यादा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियम अचानक से कैसे मर गया। उसे डर लगने लगा था कि जो गेम वो लियम का मजाक बनाने के लिए खेल रहे थे, उस गेम की वजह से कहीं सच में सारा सरिता की आत्माएं उनकी दुनिया में तो नहीं आ गई हैं। एक रात जब रोजर सो रहा था तो उसे लियम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि रात के अंधेरे में लियम शीशे के सामने खड़ा है और सारा सरिता का नाम लिए जा रहा है। जैसे ही रोजर ने लियम के कंधे पर हाथ रखा, लियम मुड़ा और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो जोर से रोजर पर चिल्लाया। तभी रोजर ने पाया कि वो तो अपने बेड पर ही है। उसे लगा कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सपना अब रोजर को हर रात बार बार आने लगा था। रोजर ने अपनी फ्रेंड एमा को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने एमा से ये भी कहा कि लियम मरने से पहले उससे कह रहा था कि उसे सारा सरिता दिख रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तब उसकी फ्रेंड एमा ने रोजर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रोजर के होश हो गए। एमा ने घबराते हुए कहा कि उसे भी उस रात के बाद बार बार दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां दिख रही हैं। एमा ने रोजर से ये भी कहा कि उन्हें सारा सरिता हॉरर गेम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। रोजर ने जब इसका मतलब पूछा तो एमा ने उसे सारा सरिता की पूरी कहानी बताई। सारा और सरिता ट्विन सिस्टर्स थी और मेक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थी। वो करीब 15-16 साल की थी और दोनों गले में एक चेन पहनती थी। दोनों की चेन में एक मैचिंग कॉइन था। कहते हैं कि एक बार वो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए स्कूल में देर तक रुकी हुई थी। सारा बाथरूम में कपड़े बदलने गई थी तो स्कूल का पियन उसके पीछे पीछे गर्ल्स बाथरूम में घुस गया। जोर जबरदस्ती करते हुए उस पियन ने सारा का गला घोटकर उसे मार डाला। इतने में सरिता अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उसने देखा कि सारा दोस्तों मारे ही पड़ी है और वो पियन उसकी बॉडी के पास खड़ा है। सारा को देखते ही उस पियन ने भी सरिता को पकड़ लिया और उसे भी मार डाला और वो वहां से भाग गया। जब स्कूल वालों को गर्ल्स वॉशरूम में सारा सरिता की बॉडीज मिली तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बॉडी के पास उन दोनों की चेन्स भी मिली। एक चेन के कॉइन पर हेड था और एक चेन के कॉइन पर टेल्स। तब से लोग कहने लगे कि उनकी आत्मा उन कॉइन में जा बसी है और जब भी कोई कॉइन्स की हेल्प से उन्हें बुलाना चाहेगा तब तब वो कॉइन्स के थ्रू ही आएंगी और उनसे बात करेंगी। पर ये गेम अगर एक बार शुरू हो गया तो ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सारा और सरिता आपको इसे छोड़ने की परमिशन ना दें। एमा ने जब ये बात रोजर को बताई तो रोजर ने एमा से कहा कि एक बार फिर उन्हें सारा सरिता को बुलाना चाहिए और इस बार उन्हें उनसे गेम खत्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। एमा और रोजर रोजर के कमरे में सारा सरिता को एक बार फिर से बुलाने लगे। सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? ये बोलकर दोनों ने अपने हाथ में लिए कॉइन उछाले। दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया जिसका मतलब था यस। उन्होंने सारा सरिता से अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? और फिर से कॉइन्स उछाले। इस बार भी दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद रोजर ने पूछा, क्या लियम को भी तुम दोनों ने मारा है? और फिर से उन दोनों ने कॉइन्स उछाले। इस बार जब कॉइन्स गिरे
तो दोनों कॉइंस पर टेल्स आए, जिसका मतलब था नो। लेकिन फिर अचानक रॉजर के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे दो लड़कियां उन दोनों पर हंस रही हों। वो कॉइंस जो जमीन पर पड़े थे वो अपने आप हवा में उठे और घूम कर हेड्स पर आ गिरे। अचानक लाइट्स की फ्लिकरिंग रुक गई और वो हंसी की आवाज भी रुक गई। मतलब साफ था, सारा सरिता लियम को मारने वाली बात पर यस कह रहे थे। अचानक से एमा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने रॉजर को गेम एंड करने के लिए कहा तो रॉजर ने पूछा कि क्या हम तुम्हारा गेम छोड़ सकते हैं, और फिर से दोनों ने कॉइंस उछाले। लेकिन दोनों कॉइंस पर टेल्स आए। उन्होंने फिर से वो सवाल किया और फिर से कॉइंस उछाले, लेकिन बार बार दोनों कॉइंस पर टेल्स आ रहा था, जिसका मतलब साफ था सारा सरिता नहीं चाहती थी कि वो दोनों ये गेम छोड़ें। तभी अचानक फिर से कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एमा को शीशे में सारा सरिता दिखने लगी और वो उल्टी क्रॉल करके एमा के पास ही आ रहे थे। एमा ने जैसे ही ये बात रॉजर को बताई, एमा को वैसे ही दौरे पड़ने लगे जैसे लियम को मारने से पहले पड़ रहे। उसकी आंखें भी काली पड़ने लगी थी। रॉजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गुस्से से पूछा, सारा सरिता तुम्हें क्या चाहिए? तभी एमा की आंखों से खून निकलने लगा और शीशे पर खून से एक वर्ड अपने आप बनने लगा, DEATH, डेथ, यानी मौत। रॉजर सारा सरिता से माफी मांगने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो एमा को छोड़ दे। अचानक फ्लिकरिंग बंद हो गई और एमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में एमा को होश आ गया, लेकिन अब दिन ब दिन एमा की तबीयत खराब होती जा रही थी। रॉजर अब हर दिन घर पे बैठा बैठा एक सवाल पूछता हुआ बस वो कॉइंस उछालता रहता, सारा सरिता क्या मैं तुम्हारा गेम छोड़ सकता हूँ? एक दिन दोनों कॉइंस पर हेड्स आ ही गया, जिसका मतलब था यस। रॉजर उस दिन बहुत खुश था। वो ये बात सबसे पहले एमा को बताना चाहता था, लेकिन उसी दिन रॉजर को पता चला कि एमा की डेड बॉडी स्कूल वॉशरूम से मिली है और उसके पास से दो कॉइंस मिले हैं, जिन दोनों पर टेल्स था।